गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब? आज हम हमारा क्या टॉपिक होगा आज का? कलर्स नेम। कल हमारा क्या टॉपिक था? हेल्पर्स नेम। आई होप आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। आज हम क्या करेंगे? कलर्स नेम। आपको इनको राइट करना है, लर्न करना है और इनकी स्पेलिंग देखिए, COLOURS, COLOURS क्या करेंगे? कलर्स नेम। कलर्स नेम, कलर्स नेम। कलर्स अच्छे से जानते हैं, रंगों के नेम। कलर्स क्या होते हैं? रंगों के नेम। सबसे पहले RED, रेड। इसको किस तरह से प्रॉपर लाइनों में लिखना है? फोर लाइनों में। नोटबुक की फोर लाइन होती है ना, इस प्रकार से मैं आपको लाइनें बना के बता देती हूँ। RED, रेड मीन्स क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल, लाल, ठीक है। RED, रेड मीन्स लाल। BLUE, ब्लू। ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। BLUE, ब्लू मीन्स नीला। ब्लू मीन्स क्या होता है? नीला। BLUE, ब्लू मीन्स नीला। YELLOW, येलो। YELLOW, इसको क्या बोलेंगे? येलो। येलो मीन्स क्या होता है? पीला। येलो मीन्स क्या होता है? पीला। येलो मीन्स पीला। फिर है ग्रीन, GREEN, इसको इस प्रकार से राइट करेंगे, GREEN। ग्रीन मीन्स क्या होता है? हरा। ग्रीन मीन्स क्या होता है? हरा। ग्रीन मीन्स हरा। GREEN, ग्रीन मीन्स हरा। PINK, पिंक। पिंक मीन्स गुलाबी। PINK, पिंक मीन्स गुलाबी। पिंक मीन्स गुलाबी। PINK, पिंक मीन्स गुलाबी। फिर है ऑरेंज, OREENGE, ऑरेंज। ORANGE, ऑरेंज कौन सा होता है? ऑरेंज कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर नारंगी। ऑरेंज कलर नारंगी होता है। कौन सा? नारंगी। ऑरेंज मीन्स नारंगी। BROWN, 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 ब्राउन। BROWN, ब्राउन मीन्स, ब्राउन मीन्स क्या होता है? भूरा। ब्राउन मीन्स भूरा। BROWN, ब्राउन मीन्स भूरा। वाइट, WHIT, वाइट। राइट करेंगे WHITE, वाइट। वाइट मीन्स सफ़ेद। वाइट मीन्स सफ़ेद। WHITE, वाइट मीन्स सफ़ेद।
वाइट मीन्स सफ़ेद। फिर है ब्लैक, बी एल ए सी के ब्लैक। बी एल ए सी के ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, ब्लैक मीन्स काला, बी एल ए सी के ब्लैक मीन्स काला। एस के बाई स्काई ब्लू, बी एल यू ई स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कौन सा होता है? आसमानी। एस के वाई बी एल यू ई स्काई ब्लू कौन सा होता है? आसमानी। आसमानी स्काई ब्लू आसमानी, ठीक है। फिर है पर्पल, पी यू आर पी एल ई, पी यू आर पी एल ई, पी यू आर पी एल ई पर्पल। बैंगनी, पी यू आर पी एल ई पर्पल कौन सा होता है? बैंगनी। पर्पल बैंगनी, पी यू आर पी एल ई पर्पल बैंगनी। मैरून, एम ए डबल आर ओ एन, एम ए डबल आर ओ एन मैरून। एम ए डबल आर ओ एन क्या बोलेंगे इसको? मेहरून। क्या बोलेंगे? मेहरून। एम ए डबल आर ओ एन मेहरून। फिर है ग्रे, जी आर ए वाई ग्रे, जी आर ए वाई ग्रे स्लेटी। ग्रे कौन सा होता है? स्लेटी। ग्रे कलर कौन सा होता है? स्लेटी कलर। अब देखिए आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल। क्या बोलेंगे इसको? रेड, रेड मीन्स लाल। प्रॉपर लाइनों में आपको इस प्रकार बनाना है जैसे मैंने बना रखे हैं, नोटबुक में राइट करना है इनको। बी एल यू ई ब्लू मीन्स नीला, Y E डबल L O W येलो मिस पीला, G R डबल E N ग्रीन मिस हरा, P I N K पिंक मिस गुलाबी, P I N K पिंक मिस गुलाबी, O R A N G E, O R A N G E नारंगी, नारंगी ऑरेंज मिस नारंगी, B R O W N, B R O W N ब्राउन भूरा, डब्ल्यू एच आई टी वाइट मीन्स सफ़ेद, डब्ल्यू एच आई टी वाइट मीन्स क्या होता है? सफ़ेद। बी एल ए सी के ब्लैक मीन्स काला, एस के वाई बी एल यू ई स्काई ब्लू, स्काई ब्लू कौन सा होता है? आसमानी। पी यू आर पी एल ई, पी यू आर पी एल ई पर्पल मीन्स बैंगनी, एम ए डबल आर ओ एन मैरून मीन्स मैरून, जी आर ए वाई ग्रे मीन्स स्लेटी, ग्रे मीन्स स्लेटी। अब देखिए नोटबुक में कितनी लाइन, फोर लाइन होती है ना, तो मैंने प्रॉपर लाइनों में बना रखा है, आपको इस तरह से ही लाइनों को देख के अपनी नोटबुक में राइट करना है इनको। वन स्पेलिंग को कितने टाइम लिखना है? थ्री टाइम लिखना है। रेड की स्पेलिंग कितने टाइम लिखना है? थ्री टाइम लिखना है। फिर उसके आगे आप इसको लिख सकते हो लाल। ब्लू की स्पेलिंग थ्री टाइम लिख के नीला। इस प्रकार से आपको नोटबुक में कितने टाइम करना है? थ्री टाइम। यह आपको होमवर्क में करके लाना है। W R I T E राइट द कलर्स नेम, C O L O U R S C
कलर्स नेम, ये आपका होमवर्क है। यह आपको क्या करना है, नोटबुक में राइट करना है। कितनी स्पेलिंग है, रेड से लेके ग्रे तक, ये आपको नोटबुक में राइट करना है। इनको लर्न करना है, प्रॉपर लाइनों का ध्यान रखना है। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कलर, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी, भूरा, सफ़ेद, काला, आसमानी, बैंगनी, मेहरून, सलेटी, ये तो हिंदी में हो गए। और रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, स्काई ब्लू, पर्पल, मेहरून, ग्रे, ये किस में हो गए, इंग्लिश में। आपको ये लर्न करना है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगला टॉपिक हमारा कल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।